अभी अभी ताजा खबर आ रही है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की दावेदारी को लेकर नेताओं के बीच कहासुनी हो गई। जी हां, खबर है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट और विधायक दल के नेता रामेश्वर डुड्डी आपस में भिड़ गए, जहां दोनों के बीच तीखी कहासुनी भी हुई। राहुल गांधी की मौजूदगी में सोमवार रात को राजस्थान के उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में अपने अपने उम्मीदवारों को टिकट दिलाने के लिए सचिन पायलट और रामेश्वर डुड्डी के बीच कहासुनी हो गई। दोनों नेताओं के बीच विवाद बढ़ता देख इसे सुलझाने के लिए राहुल गांधी ने दोनों नेताओं से उम्मीदवारों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी। सूत्रों के मुताबिक सचिन और डुड्डी की खुली जंग से राहुल गांधी के चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था। सूत्रों के मुताबिक डुड्डी को अशोक गहलोत का करीबी माना जाता है, इस लिहाज से विवाद को सचिन पायलट और गहलोत के बीच सियासी जंग के तौर पर देखा जा रहा है। राजस्थान में कांग्रेस ने भी अभी तक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है। बीते करीब एक हफ्ते से लगातार पार्टी और लिस्ट जारी किए जाने का इंतजार हो रहा है, लेकिन किसी न किसी वजह से उम्मीदवारों का ऐलान टल रहा है। राजस्थान में 7 दिसंबर को चुनाव है, जबकि वोटों की गिनती 11 दिसंबर को होनी है।